और जिंदगी में जब भी बाइक आओ अकेले मत आना, अकेले आने की गलती बिल्कुल भी मत करना, आज मैं पछताया। आई मेड अ वेरी स्मार्ट मूव लास्ट नाइट, मुझे एक्चुअली बहुत नींद आ रही थी खाना आने के बाद, जैसे कि सुबह उठ के एडिटिंग करूँगा, फिर मेरा वॉट इफ मैं उठा नहीं या फिर दो तीन मुझे आँख खुल गई एंजाइटी से कि एडिट करना है, तो मैंने हिम्मत दिखाई, एडिटिंग खत्म किया, वीडियो काफ़ी लंबा बन गया था आपने देखा, और मेरी एडिटिंग को भी दो ढाई घंटे के ऊपर लग गया, यूजुअली मेरे को 45-1 आवर लगते, लेकिन वीडियो लंबा था, दो दो फाइल थी, फिर गोप्रो सुनने के लिए टाइम लग गया, बट देन थैंक गॉड आई मेड अ डिसीजन। वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और एक गुड न्यूज़ है, इशारा और अब्दुस भाई कल आज सुबह सुबह आ गए, वो कुछ 4 बजे 3:30 बजे पहुँच गए थे, उन्होंने होटल ले लिया है एंड दे वर लाइक कि भाई सुबह मिलते हैं, मैंने ठीक है, और अभी 8:10 इन द मॉर्निंग है, तो आई विल गो फॉर माई ब्रेकफास्ट। जब मैं बिल्डिंग से निकल रहा था तो मैं बोल रहा था कुछ भूल रहा हूँ, मैं चप्पल भूल गया, हमेशा का मेरा है चप्पल भूल जाता हूँ, एक तो परमानेंट चप्पल मेरे को अपने पैनिस में रख देना चाहिए। सो दिस इज माई ब्रेकफास्ट, वेरी हैवी ब्रेकफास्ट, ये डोसा मैंने ऑर्डर नहीं किया था बट किसी ने तो किया था, तो मैंने बोला रख दो खा लेंगे हम अगर खा पाए तो, वैसे तो दिस लुक्स क्वाइट हैवी, क्योंकि आज मैं लंच जो है स्किप करूंगा या फिर बहुत ही लाइट खाऊंगा मैं। मेरे रूम के दरवाजे में प्रॉब्लम है, वो की कार्ड से खुलता नहीं, तो ईच टाइम आई एंटर द रूम आई हैव टू कॉल द रिसेप्शन, वहाँ से कोई की कार्ड लेके मास्टर की से खोलता है, बिकॉज बोलते हैं 3 महीने होटल बंद था तो नॉर्मल रूम की चालू नहीं, तो मैंने उनको बोला भाई रूम चेंज करके दो मेरे को। जिशान और अब्दुस भाई रात के कुछ 3 बजे आ गए थे, फिर वो टाइम में सो रहा था और ये होटल में रूम फुल था, तो उन्होंने कोई बाजू में होटल में रूम लिया हुआ है। मेरे अभी अब्दुस भाई से बात हुई, अब्दुस भाई तो उठ गया लेकिन जिशान सो रहा, बिकॉज जिशान थोड़ा लेट सोया, उसको कुछ तो सदमा कहता है चीज़ का, मैं मिलकर बताऊंगा, और मुझे यहाँ पर आइकिया जाना है हैदराबाद में किधर, तो अभी मैं चेक हाउ फार इट इज, एंड जैसे ही वो लोग उठते हैं All of us will go to IKEA. I don't have any option beside wearing the riding boots. मैंने अब्दुस भाई जिशान को बोला था कि अगर रास्ते में चप्पल मिलती तो ले लेना, और दोनों भी फोन नहीं उठा रहे, शायद अब्दुस भाई ब्रेकफास्ट करके सो गए, उनको मैं ब्लेम नहीं करूंगा, जब दूसरा बंदा बिस्तर पे सो रहा रहेगा तो आपको भी नींद आई जाएगी, इसलिए बोलता हूँ शॉर्ट राइड कर रहे हो ना, तो अगर रात में निकल रहे हो तो कोशिश करो कि दिन भर जाग के एटलीस्ट अपना दिन में बाहर निकलने का प्लान बन जाए। चलो जो भी है, जैसा भी है बेचारे बहुत गर्मी में राइड करके, आई थिंक मुझे अकेले निकलना पड़ेगा आईकिया के लिए। प्रॉब्लम एक ही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये कैमरा, इतना बड़ा कैमरा लेकिन मुझे आईकिया के अंदर घुसने देंगे नहीं, मुझे नहीं पता, तो व्हाट आई विल डू, I will take this camera pouch and मैं कैमरास के अंदर रख दूंगा अगर मुझे कुछ बोला तो, और ये जो गोरिल्ला पॉड है ये मेरे को जो है ना ये मुझे निकालना पड़ेगा, बिकॉज ये इससे ना कैमरा और बड़ा दिखता है, सो आई लीव इट इन द रूम एंड आई एम गोना बी व्लॉगिंग लाइक दिस हैंड हेल्ड। ओके प्लान चेंज, इंस्टेड ऑफ द सोनी बैग मैंने ये वाला लाल वाला बैकपैक ले लिया, आई थिंक दिस इज मच बेटर, इस पर कुछ एक्स्ट्रा सामान रखकर भी डाल सकता हूँ क्योंकि इसके बिना मेरे को जाने को कहीं होता नहीं, मेरा फोन वोन और वॉलेट रहता है ना इसके अंदर। चलो लेट्स गो, ऊपर बुला लिया मैंने। बाइक को बिना मिले चले जाता तो मज़ा नहीं आती, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी मैं कोई भी होटल में जाऊँ तो, वेदर इन हैदराबाद इज क्लोज टू परफेक्ट, दिन में भी मुझे गर्मी नहीं लग रही, इनफैक्ट इज क्वाइट प्लेजेंट शोइंग 20 डिग्रीज वेटिंग फॉर माई उबर, और तो यहाँ पर वो मोटरसाइकिल वाली उबर भी चलती है, मतलब ट्रैफिक से आपको निकल के चली जाएगी, वी नीड दैट इन मुंबई डेस्परेटली। मेरे नाक में ना साबुन चलेगा तो मुझे हल्की हल्की सर्दी हो गई, गुड टाइम टू हैव कोल्ड। मेरा आईकिया का प्लान लास्ट मोमेंट बना, और जैसे मैंने मम्मी और शैनस को बताया ये भी देखना वो भी देखना, इसकी फोटो भेज उसकी फोटो भेजिए, और तो का ऐसा रहता है यार, पहले तो कुछ बोलते नहीं चाहिए और जब ऐसी सिचुएशन में फोटो भेजते रहो, बाइक पे कैसे लेके जाओ कुछ पसंद आए लोगों तो, ऑर्डर दे सकता हूँ देखिए डिलीवर। Long queue just to go in. मुझे लगा था मुझे घंटे के ऊपर लगेगा लेकिन 25 मिनट्स में अंदर आ गया, अभी थोड़ा बहुत शॉपिंग करते हैं और फिर मिलते हैं। लगा नहीं था कि इतना सामान ले लूँगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा सामान ले लिया है, नॉट टू वरी ये सारा सामान जो है मेरे हिसाब से पैनियर्स में आ जाएगा इधर उधर करके होपफुली। गया तो लगा नहीं था कि इतनी सारी शॉपिंग हो जाएगी, अभी एक छोटी सी दुविधा आ सकती है मेरे को ये सब सामान बाइक पर रखने के लिए, बट आई थिंक आई कैन डू अ गुड जॉब, बिकॉज अगर शादी होती तो इससे ज़्यादा सामान रहता तो ये सब सामान तो कुछ भी नहीं आ जाएगा,
कॉफ़ी ले ली है मैंने, अंदर पीना अलाउड नहीं है। अभी मुझे ऊबर बुलानी है, ऊबर कहाँ आएगी वो भी नहीं पता मेरे को। तो इतनी अच्छी चीज़ दिख गई थी कि तो मैं और सामान ले लेना था मेरी बहन की बेटी के लिए, मायरा के लिए, लेकिन तो मम्मी ने बोला मत ले अभी, वो हम ऑर्डर कर देंगे। मैं बोला ठीक है, पर ज़िंदगी में जब भी बाइक के आओ अकेले मत आना, अकेले आने की गलती बिल्कुल भी मत करना। आज मैं पछताया, ये तो फिजिकल थोड़ा फिट था करके सब कुछ मैनेज कर लिया, अन्यथा हालत ख़राब हो जाती है बस। और मैंने क्रोजॉन ले लिया, अरे कहाँ जा रही है, अच्छा मैंने क्रोजॉन ले लिया मेरे लिए, टैक्सी में बैठते बैठते भी खा के जाऊँगा। ये सारा एक्सपीरियंस कोई वर्कआउट से कम नहीं है बॉस, मेरे कुछ 10-15,000 स्टेप के ऊपर हो गए। अभी ईशान से मेरी बात हुई, अभी तक साला वो मैकडॉनल्ड्स में खा रहा है, मतलब उसने दूसरा होटल चेकआउट किया और अभी तो मैकडॉनल्ड्स में बैठा है। मतलब साले मेरा इतना 2 घंटे से मैं अंदर था, तूने अब तक अपने होटल में आके चेक इन नहीं किया, क्या बोलेंगे भाई। कोई नहीं, लेट लतीफ़ लोग होते हैं अपने दोस्त लोग भी। सामान आ गया, मैं आ गया रूम में, लेकिन ज़िशान अब्दुल भाई नहीं है। क्या बोलते हैं अकबर भाई को मैं मिला था 4 साल पहले जब मैं हैदराबाद आया था, ज़िशान के दोस्त थे भाई। कुछ हैदराबादी में सुना हो ना भाई, क्या बोले बाबा कुछ बंदोबस्त बोलते कुछ खाने वाने को बंदोबस्त किए कि नहीं? बिरयानी है शाह की भाई, मैं तो वेजिटेरियन हूँ भाई। वेज खिला लेंगे निखिल भाई को, वेज बिरयानी। वेज बिरयानी पुलाव होता है, बहुत लोग ऑफेंड हो जाते भाई, वेज बिरयानी इज नॉट बिरयानी, इज पुलाव। ट्रेंड चला था ट्विटर पे। मुझे थोड़ी सर्दी हो गई क्योंकि मैं इतना पटेली करके कहा था, अरे क्या वेदर है, नहा धो के बाल गीले जब धूप में खड़ा हुआ आधा घंटा तो सर्दी हो गई, और अंदर कम से कम मैंने मेरे सबसे 5-6 किलोमीटर का वॉक इजीली किया रहेगा, ज़्यादा भी हो सकता है। और राइडिंग बूट्स में शुरू में कंफर्टेबल लगा, बाद में मेरे पैर जो ऐसे पकड़ लिए ना, क्या बोलते हैं हैदराबादी में, पकड़ लिए भाई, बहुत खतरनाक पकड़ लिए भाई, ऐसे पकड़ लिए कि अभी चप्पल पहन के राइड करनी पड़ेगी मुंबई। जोकिंग है, मजाक था, ये तो मैंने अभी दिखाया, बैठ भी सकते हैं। ओहो, ये होती है लाइफ। अकबर भाई बोलते हैं हैदराबाद में रात को मौसम बहुत अच्छा है, तो सोच रहे हैं कि रात को एक जरा राउंड मार के आएंगे, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे भाई, क्योंकि अपने को 10-11 बजे सोने की आदत हो गई है और वो मुझे तोड़ना नहीं है। वो पैटर्न टूट गया ना, फिर टूट टूट के सुबह का 6 बजे सोने का होता है। मेरे को हल्की हल्की भूख लगने लगी, एक अच्छी बात याद आई कि मैंने ये क्रोजा ले लिया था जो कि मैंने इतना खाया था। और अकबर भाई मेरे को बोल रहे कि शुरू में जब आइकिया खुला था तो सिर्फ अंदर घुसने की टिकट थी, सच में? कितना टाइम चला था टिकट का? चला कुछ अच्छा चला, पर नॉर्मली लोग देखने आए थे कि ये क्या है, बना है आईकिया, कैसा बना। और कितनी टिकट थी? अंदाजा अप्रोक्सीमेटली होगी 80-80। अरे बाप रे बाप, पब्लिक जो ये थी ना आपके टाइम पे, इसे 3 गुना ज्यादा थी। अच्छा खासा कमाया रहेगा शुरू में। अभी जब भी कोई अच्छा बिजनेस आइडिया सोचो ना, स्कैम 90-90 म्यूजिक प्ले करने का, ये स्कैम नहीं है बट वो म्यूजिक से बिजनेसमैन की खुशबू आती है। कौन? क्या बोले? तुम्हारी शेरवानी लेके आया हूँ। शेरवानी? पूमा की शेरवानी किधर से आई भाई? आपका बर्थडे गिफ्ट। क्या बात कर रहे हैं, इतनी जल्दी दे रहे हैं भाई, बर्थडे हो गया क्या? अगले साल के लिए वेट कर लेता। अच्छा देखिए तो सही भाई, क्या है? पूमा है कोई और? BMW का कुछ सामान लग रहा है मेरे को। अरे क्या बात है भाई, भाई ये सेम बैग अपने MS स्क्वाड के एक मेंबर ने मुझे फोटो भेजा था भाई, ले रहे थे मेरे लिए, मैंने मना कर दिया, ज़िशान ने लिया भाई। क्या बात है, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। कैसी थी राइड आते टाइम? अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, पर थोड़ा सा लास्ट में खाना नहीं मिला यार, वो थोड़ी तकलीफ हो गई। तो मैं आया कुछ 10:30 घंटे में, ये लोग आए 13:30 बजे निकले, 2:30 बजे पहुंचे। 2.5 घंटे ट्रैफिक बॉम्बे में, 2.5 घंटे वो फर्क नहीं पड़ता है भाई। सुनो मैं उड़ के नहीं आया, मैं भी सेम रस्ते भाई, हम लोग 4:50 अराइवल बता रहा था, फिर भी हम लोग 2:30 बजे आए। मेरा अराइवल 11 बजे तक पहुंच गया था, मैं 6:45 आया। वो BMW थी ना, चाहते थे ना तुम मेरे मुंह से? नहीं, इट इज भाई, मैंने KTM पे BMW से फास्ट किया। दोनों की अलग अलग ख्वाहिशात होती है रोड पे, अकेला राइडर और टॉप की मॉडल लोग थे, शॉपिंग करने से खड़े रहते हैं। ये देखो, I've got my Louis Vuitton bag. So अभी हम लोग रूम चेंज कर रहे हैं क्योंकि मेरा जो की कार्ड है वो डोर में कोई तो प्रॉब्लम है, मेरे को की कार्ड लिए, तुम्हें की कार्ड की जरूरत नहीं भाई, छोड़ दो। तो हम लोग जा रहे हैं 10 फ्लोर, बिकॉज हाँ देना पड़ेगा वरना फाइन चार्ज मारेंगे। पागल होगा, प्लास्टिक का की कार्ड को फाइन मार देगा। चाबी वाला नहीं है ये होटल, की कार्ड वाला है। 51 रुपया फाइन है। सच में 51 रुपये फाइन मारने का कौन सी बात हो गई? और दूसरा रीजन ये है कि वैसे मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि की कार्ड खराब है, लेकिन इन दोनों का रूम 10 फ्लोर पर, मैं भी 10 फ्लोर पर शिफ्ट होता हूँ। चलो सेम रूम बट बिस्तर अभी एक हो गया, किंग साइज हो गया ना कि क्वीन साइज, क्योंकि टेक्निकली ज़िशान वाज़ सपोज़ टू स्टे विद मी टू द अदर बेड, बट अब्दुल भाई लास्ट मोमेंट पे आए, और अगर एक्स्ट्रा मैट्रेस लेना है तो उसका 1500 रुपीज है और रूम है 2000 रुपीज का, तो मतलब नहीं बना। हाँ 1500 प्लस GST, दुकान वाला बोला।
राइडिंग गियर है भाई, इतना हैवी तो साइकिलिंग गियर नहीं है ये। 60,000 रुपया गियर है, हल्का होना चाहिए ना। एक मिनट इधर फोन लगाते तो बोलते नहीं कोरोना अनलॉक अनलॉक, हाँ बोलते कि नहीं बोलते। कहानी खत्म हो गई यहाँ, कहानी खत्म हो गई। कोरोना मुंबई में अभी भी चल रहा है। अभी अमिताभ बच्चन उस दिन अपने टेक्निकोलॉजी फोन करते हैं तो मेरा अलग गाना बजता है, तेरा भाई तेरा मुंबई कर मुंबई कर। आज मैंने कुछ चेंज कर दिया है तो उसे बोलते हैं अरे मुझे लगा अमिताभ बच्चन बोलेंगे कोई कोरोना कोरोना आप तो मोतिया भाई तेरा भाई चलो गया भाई, कमल की बात है आपने चल रही है आपको तो मैं वीडियो देख रहा हूँ। मेरा कभी गो कोरोना आया नहीं क्योंकि मेरा रिंगटोन हमेशा अलग रहती थी। अभी अपन पी रहे हैं ब्लैक कॉफी विद, ये कुछ तो दिशा ने दिया है, ये क्या है स्वीटनर शुगर फ्री बिस्किट, मतलब ऐसा बैठ के खाने का नहीं, वो खाने के बाद जरा काम नहीं करने का, शरीर को काम पे लगाने का। क्या बोलते दिशा भाई, एक अच्छा वाला पनीर टिक्का बोलो और एक वेज बिरयानी पुलाव भाई ने बोले थे। तो अभी मस्त अपन डिनर करने वाले हैं और उसके बाद जाके प्री डिनर काय का लंच, ये लंच होता है ये टाइम पे भाई, मैं सुबह 7 बजे का उठेला हूँ, तुम लोग का लंच है, मेरा लंच नहीं है, मेरा प्री डिनर है ये, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में भूल गया मैं, ब्रंच बोलते हैं जो ब्रेकफास्ट लंच करे जो हम लोग मुंबई में करते हैं लेट 12 बजे उठ के खाना, तो ये प्रिनर है प्रिनर, कोई भी इनर हो भाई खाना है तो वही कर रहे हैं अभी हम लोग। उसके बाद ये सामान रखेंगे मेरी बाइक पे फिट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद बाहर जाएंगे। तो देखो भाई वैसे तो मेरा वीडियो एंड करने का प्लान बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इन लोग मुझे कहीं तो हैदराबाद में मिनी सऊदी हवा लेके जा रहे हैं और बाद में मुझे आएगी नींद, तो मैंने बोला वीडियो को इधर ही समाप्त कर देता हूँ, एडिट कर देता हूँ, बाद में आने के बाद अपलोड करके सो जाऊँगा। तो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो टिल हियर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हंसी आई कुछ भी लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक का ऑप्शन भी है बिकॉज यूट्यूब के एल्गोरिथम को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तो विद दैट सेड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो एज ऑलवेज, शुक्रिया अलविदा, मा सलामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर माय लवली फ्रेंड्स। और अभी भी मैंने इंस्टाग्राम पे देखा लोग मुझे टैग कर रहे हैं कि स्टार ABP ने कुछ तो मेरा वीडियो बनाया, क्या बनाया मुझे आइडिया नहीं है बट देख के तो लग रहा है अच्छा बनाया, तो अगर आपने देखा है तो उसका लिंक विंक रहेगा तो मुझे प्लीज डिस्क्रिप्शन दे देना बिकॉज मुझे भी देखना है वो। एडियोस अमिगोस, थैंक यू आदिश भाई फॉर द काइंड हॉस्पिटैलिटी। तो अभी स्विगी से भी ऑर्डर किया और अपना जो स्विगी से खाना लेके उसका नाम क्या है, बोबो अंगारी, बोबो अंगारी, जोमेटो जोमेटो। तो अभी अभी फोन किया भाई, अब्बा ने नाम रखे कि अब्बे अम्मी ने नाम रखे बोबो अंगारी, ये कैसा नाम होता है भाई, अगर आप किसी को जानते हो बोबो अंगारी जरा कमेंट करो भाई, मुझे जानने के अब्बा ने नाम रखा कि अम्मी ने नाम रखा।